कन्या पूजन में विशेष जो बातें ध्यान रखनी चाहिए वो यह है, वो कन्या एक वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए, दो वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच की कन्या होनी चाहिए। और उनको जो है नाम दिया गया है, 9 रूप में उनको विभाजित किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम कन्या को ले आवें अपने यहाँ तो उनका पांव भी धोना चाहिए, एक परात में धो करके, चूँकि वो देवी रूप में होती हैं, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मेरी श्रद्धा होती है, श्रद्धा रूप में लक्ष्मी के रूप में उनका वास होता है, इसलिए उनको लाकर विधिवत उनके पैर को पहले धोना चाहिए, चरण का वंदन करना चाहिए, जल से प्रक्षालन करने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए, जिससे हमारे घर में दुष्ट शक्तियां जो है वह नष्ट हो जाए महालक्ष्मी की कृपा बरसे। उसके बाद उनको विधिवत जो है कुमकुम रूरी का तिलक लगाना चाहिए, अक्षत लगाना चाहिए, और एक एक जो है जवा का माला या गुड़हर का माला पहनाना चाहिए। तीसरी बात यह करनी चाहिए, उनको एक एक लाल चुनरी उनके माथे पर देनी चाहिए, लाल चुनरी के साथ। फिर उनको महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमको उनको जो है पूड़ी और हलवा का भोजन कराना चाहिए, और उसके बाद भोजन कराने के बाद उनको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद जब माता रानी की विदाई हो तो विशेष करके विदाई के समय किसी पात्र में कुछ फल रख करके, क्योंकि फलेन फलितम सर्वम, फल देने से फल की प्राप्ति होती है, और चूंकि वह देवी रूप में हमारे यहाँ लक्ष्मी रूप में विराजमान है तो हमें फल दे, हमारे यहाँ लक्ष्मी रूपी फल की प्राप्ति हो, इसलिए विदाई के समय उनको किसी पात्र में फल और मीठा और कुछ दक्षिणा रख करके उनको विदाई करनी चाहिए। जय।